सबसे पहले मैं ग्रामीण क्षेत्र के पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ में आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया और जो कार्यक्रम किया बच्चों ने बहुत सुंदर था। हमको मालूम नहीं था कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने अरेंज किया हुआ है। अन्य बच्चों के लिए कोई प्रेजेंटेशन लेके आते हैं हम लोग साथ में, और उसके लिए मैं थोड़ा सा अंशदान आपको दूंगा पंडित जी को कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हमारी तरफ से प्रेजेंट करें। पहली बात। दूसरा, यह बाहर से काफी लोग पधारे हैं जो हमको जानते हैं और हमको जानते भी नहीं, बहुत से लोग ऐसे जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं। और करसोग के अंदर हमारा कार्यक्रम चल रहा है और महायज्ञ करसोग के लोगों ने अरेंज किया, जिसमें सुबह तो सारे उनके कार्यक्रम होते हैं, शाम को हमारा प्रवचन 2 घंटे का चलता है। किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि ध्यान योग न किया जाए, चाहे वह भागवत सुनिए, चाहे वो गरुड़ पुराण सुनिए आप, चाहे गीता पढ़िए, चाहे रामायण पढ़िए, ये ध्यान योग का जो कार्यक्रम है सभी ने अडॉप्ट किया, सभी लोगों ने। परमात्मा की गहराइयों पे उतरना है तो ध्यान योग करना बहुत जरूरी है। ध्यान ज्ञान प्राप्त करना है तो भागवत सुनिए, उसमें भी ये कहीं नहीं कहा कि आप गहराई से अपने इष्ट को याद ना करें, सब जगह ये है। बड़ा अच्छा लगा जो कार्यक्रम अब की बार हुआ और काफी लोगों ने करसोग के उनके बाहर के भाइयों ने भाग लिया। देखिए हमारा जो कार्यक्रम है वो अखिल भारतीय संतमत सत्संग के नाम से जाना जाता है और पूरे हिंदुस्तान में 22-25 लैंग्वेजेस के आदमी से जुड़े हुए हैं, केरल से लेके कन्याकुमारी तक। और साउथ में, केरल में क्रिश्चियंस लोग जुड़े हैं, आंध्राइट जुड़े हैं जो हमारी भाषा नहीं जानते, हिमाचल के लोग जुड़े हैं। हर 20 किलोमीटर पर हमारा कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जानने वाला। बात क्या है कि जो ध्यान के अंदर अनुभव आपको होगा वही अनुभव जो हिंदी नहीं जानता उसको भी होता है। और इतना सुंदर एटमॉस्फेयर बनता है कि गूंगे का गुड़ है, आप ये समझ के चलिए कि अगर गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए तो वो उसका स्वाद बता नहीं सकेगा कि किस प्रकार का उसका अनुभव हुआ। देखिए हमारा जो शरीर है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, 3 चीजों से। पहला स्थूल शरीर जो हम देखते हैं, स्थूल, इसमें 10 इंद्रियां हैं हमारे पास, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, 10 इंद्रियों से मिलकर बना हुआ है। इतना ही नहीं है, उसके बाद एक शरीर और है जिसे मन बोलते हैं हम लोग, और मन जो है बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बनाया, सोच विचार का काम मन से करते हैं। दूसरा एक और है जिसे आत्मा बोलते हैं। अब तीनों के काम अलग अलग है,
ठीक है। तो जब हम सोते हैं, सोए तो हमारे ना हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, ना आँख काम करती है, ना जबान काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं, सब सुप्त अवस्था में हो जाते हैं। अगर मेडिकल साइंस में आप देखें, अगर सोते हुए आपने कोई मेडिसिन खाई तो उसका इफेक्ट सुबह तक नहीं होता, सब सुप्त है, सोता हुआ। तो जब हम सो गए तो जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे मन में से मिट जाती हैं, मन के अंदर चली जाती हैं। रात को अगर हम खाना भी खाएं तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, दिन में तो फिर भी खाते रहते हैं। रात को हमको खाना खाने पर कोई ना भूख लगती है 2 घंटे बाद, अगर 8 घंटे के लिए सोए तो 8 घंटे सो गए, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, सोए सो गए। तो क्या है कि वो हमारी जो इंद्रियां हैं सारी वो हमारे मन में से पड़ जाती हैं। जब सुबह उठते हैं तो बड़ी ताजगी महसूस करते हैं, वो ताजगी आई कहाँ से? खाने से नहीं आई ताजगी, ताजगी मन की एनर्जी से आपको मिलती है, खाने से नहीं मिलेगी। एक गरीब आदमी है 2 रोटी खा के रह जाता है, एक लैविश आदमी है वो 50 तरीके के व्यंजन खाता है, उसका भी वही असर होता है, उसका भी वही असर होता है, कोई फर्क नहीं। तो जो एनर्जी हमारे यहाँ है वो मन से मिलती है, ठीक है। अब क्या है कि दिन में हम जो है काम करते हैं, सोचते विचारते हैं मन से, और मन जो है रात को सपने दिखाता है हमको। दिन में हमने काम किया, रात को हमने सपने देखे। मन 24 घंटे चल रहा है। आज की जो परिस्थिति है बहुत खराब है क्योंकि मन को आराम नहीं है, मन 24 घंटे मोटर व्हीकल की तरह चलता चला जा रहा है। मोटर व्हीकल पर भी हम आराम देते हैं पर मन के अंदर हमारे पास कोई आराम नहीं है, चल रहा है बराबर, ठीक है। इसलिए आज की तारीख में अगर अमेरिका का पोजीशन उठा के देखें, बल्कि हिंदुस्तान में भी देखें, तो जितने अच्छे ओहदे पर लोग बैठे हुए हैं, कोई अग्रेशन में है, कोई मेंटल डिप्रेशन में है, एकदम गुस्सा आता है उसको। क्यों? मन को आराम नहीं है, सोचने की का टाइम नहीं है देने के लिए कि हम अपने लिए भी कुछ सोचें, अपने लिए कुछ नहीं सोचते, गुस्से में हम काम करते हैं, शांति से काम नहीं होता क्योंकि शांति का माहौल ही नहीं है, शांति का माहौल मिलता ही नहीं है। अब क्या है, एक और जो चीज़ है वो है आत्मा, उसके ऊपर। आत्मा के अंदर सिर्फ चैतन्यता है और आनंद है, दो चीजें हैं, चैतन्यता और आनंद। आत्मा गई, चैतन्यता खत्म हुई। जब तक आत्मा है तब तक शरीर में चैतन्यता है और आनंद है, आनंद उसी के पास है। गाड़ी देखने में आनंद नहीं है, खाने में आनंद नहीं है, विषय ना में ना आनंद है, ना वासना में आनंद है। आनंद है तो किसमें? आनंद अपने मन के अंदर है। ये सारी चीजें यूज करने की है, इसमें आनंदित नहीं, आनंद महसूस नहीं है। आनंद है तो परमात्मा की याद में। जैसे जैसे परमात्मा की याद आपके मन के अंदर बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपको असली इंटरनल आनंद आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, हमारे ऋषियों ने मुनियों ने अगर बैक रील उठा के देखे, अब फ्रंट रील आज की नहीं, आज से 100 साल पीछे जाए या उससे पहले आगे जाए, तो जितने हम लोग हैं आज बैठे हुए सब ऋषि मुनियों की संतानें हैं। सोचिए, घुमाइए, उल्टा घुमाइए अपने आप को, कहीं ना कहीं अटैच। और परमात्मा हमको बार बार मौका देता है कि आप अपना योग पूरा करो आके, योग के लिए। और योग की बड़ी भारी चीज नहीं है, कोई चिड़िया का नाम नहीं है। योग का मतलब अपनी जिंदगी के अंदर राम नाम को जोड़ना। बहुत से भाई कहते हैं परमात्मा को नहीं मानते, मैंने कहा मत मानिए आप,
आप अपनी हस्ती को जानिए, अपनी हस्ती को बैलेंस करने के लिए वो काम करिए जो आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस होके रहे, ना डिप्रेशन आए ना अग्रेसिव हो। एक इंसान है, आईटी इंजीनियर है, एक काम बराबर करता चला जा रहा है, 15 दिन उसने काम किया नहीं हुआ, 16वें दिन डिप्रेशन में आ जाता है कि मेरा काम ही नहीं हो रहा, प्रेशर। जब तक अपने विचारों से मन को खाली नहीं करेंगे तब तक नए विचार आपके पास नहीं आएंगे। तो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने इसी बात को समझा और ये कहा कि ध्यान करना बहुत जरूरी है, ध्यान कीजिए। उसका तरीका बड़ी सुंदरता से बताया और बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन है उसमें आज के समय को देखते हुए। पहले सारे काम परमात्मा की याद में डूब के किए जाते थे, कोई काम ऐसा नहीं था जो परमात्मा की याद में डूब के ना किया जाता। आज भी आपको बहुत सी जगह ऐसी मिल जाएंगी जहां हर काम परमात्मा की याद में डूब के किया जाता है। और बड़ा सुंदर तरीका है, हम देवी देवता को मानते हैं और जो आपका देवी देवता उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से हम अपने देवी देवता को अच्छे तरीके से ध्यान याद करें, कैसे याद करें? हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और देवता बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए, हर 40 किलोमीटर पर देवता भी बदलेगा और देवता का स्वरूप भी बदलेगा और उनका याद करने का तरीका ही बदलेगा। तो जो हम पहले तरीके की पूजा करते हैं तो हमारा शरीर हुआ, शरीर की संरचना। अगर आपको आत्मिक आनंद लेना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, सही तरीके से पूजा पाठ का तरीका अपनाना पड़ेगा, सही तरीके से। पूजा का तरीका भी 3 प्रकार के हैं। पहले रिचुअल्स जो हम करते हैं और बड़े आराम से करते हैं, बखूबी करते हैं, मंदिर जाना, पाठ करना, भागवत सुनना, रामायण पढ़ना, जाप करना, हवन करना। इसके अंदर क्या है कि जैसे आप मंदिर गए, घर से निकले मंदिर के लिए, घर गृहस्थ की बातें चलती रही, वहां पहुंचे, शिव जी को जल चढ़ाया, उतने टाइम जब आप ये काम करते हैं तब आपका परमात्मा आपके सामने होता है। और जैसे ही जल चला के बाहर निकले फिर वैसे के वैसे वापस लौट आते हैं। फायदा है इसका है कि हम झुके हैं परमात्मा की ओर, परमात्मा का नाम लेके हम काम करते हैं। पर अगर दूसरा तरीका अपनाएंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। हम मंदिर जाते हैं अपने घर की के लिए प्रार्थना करने, घर ठीक चले, बच्चे पढ़े, कारोबार अच्छा चले, ठीक है। दूसरा तरीका थोड़ा और आगे स्टेज पर बढ़ाएं इसको, जिससे कि परमात्मा का जो शरीर हमको मिला है उसका ब्लिस हमको प्राप्त हो, ठीक है, उसके अनुभव आपको प्राप्त हो कि किस तरीके से परमात्मा ने हमारा शरीर बनाया और क्या क्या खूबियां हमारे अंदर हैं, बाहर नहीं है, हमारे अंदर है सारी चीज। दूसरा तरीका आनंद योग, ध्यान योग, ध्यान को अपने जीवन में जोड़ना, सहज योग, सहजता से, कोई प्रेशर नहीं। दुनिया में वैसे ही प्रेशर बहुत है, अगर इसका ही प्रेशर लेंगे तो काम नहीं बनेगा। हट योग, ये सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग शामिल करते चले जाते हैं और हमारा जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाता है। तो सबसे पहले जो ध्यान करने का तरीका है वो ये है कि जितने भी हमारे आगे संत महात्मा हुए सब एक इष्ट के पुजारी थे,
एक गेस्ट, गुरु नानक देव, संत कबीर, तुलसीदास, ज्ञानदेव, नामदेव, एक गेस्ट, एक गेस्ट को मानिए। और वो जो आपकी आत्माओं को सबसे प्यारा लगता है, दूसरा नहीं, जो चीज आपकी आत्मा को प्यारी लगती है उसका ध्यान बार बार रह के आता है। घर के अंदर जो बच्चा सबसे अच्छा होता है हर चीज में, अगर बाहर चला गया तो उसकी याद बराबर आती है। इसी तरीके से जैसे आप अपने बच्चे की याद करते हैं, उसी तरीके से परमात्मा के नाम को मानिए, अपने इष्ट देव को, अपने कुल देव देव को, अपने देव को, जिसको मानते हैं। तो ये निश्चित करिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। दोनों के लिए रास्ता है, साकार पुजारियों के लिए भी और निराकार के लिए भी। साकार पुजारी वो हैं जो परमात्मा की भावना मूरत में डालते हैं, मूर्ति में, शक्ल में, जिसको मानते हैं। ये हम पूछेंगे अपनी आत्मा से, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर किसी के पास जाएंगे तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। हम मानते हैं शिव भगवान को, अगर मैं आपसे कहूं कि आप राम की पूजा करना शुरू करो तो राम की पूजा होगी नहीं किसी हालत में भी। रह रह के अड़चन आएगी बीच में, रह रह के ठोकर लगेगी, मन वहीं जाएगा वापस लौट के। पर होता ये कि हमारे गुरुदेव ने कहा कि नहीं राम की पूजा करो, यह मामला अटक जाता है और अटका रहता सारी जिंदगी, हल नहीं होता, ध्यान नहीं लगता। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आपका ध्यान नहीं लगेगा किसी हालत में भी। पूजा पाठ कर सकते हैं सारे। देखिए कितना सुंदर हमारा धर्म है कि बेटा हनुमान जी को मानता है, पिता राम जी को मानते हैं, माता सीता जी को मानती हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, राधा कृष्ण को मानते हैं, और सबकी मूरत हमारी लगी होती है बराबर बराबर मंदिर के अंदर, और सबकी सेवा करते हैं। सेवा सबकी करनी है, निरादर किसी का नहीं करना, पर मान अपने इष्ट का करना है। निरादर किसी का नहीं पर ध्यान अपने इष्ट और किसी को नहीं। क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चार विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। आज जो भी हम हैं, जिस पोजीशन पर बैठे हैं, ये अभ्यास की बदौलत बैठे हैं। बस हम परमात्मा के नाम को लेने का अभ्यास नहीं करते, सबसे बड़ी बात। तो क्या है कि हमने अपनी आत्मा से पूछा कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। जो सूरत सबसे ज्यादा प्यारी लगती है उसकी शक्ल अपने समुंदर में लाकर डाल दीजिए, रख दीजिए। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए सुखासन में, जैसे बैठे हुए हैं सुखासन। आसन भी बहुत प्रकार के हैं, सब छोड़ दिया। उस आसन पर जिसमें आपको सबसे ज्यादा आराम मिलता है, आराम से बैठिए। उसके बाद अपने इष्ट देव को अपने सामने बनाए, ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।